জায়গা পড়েছিল। जिसके फलस्वरूप
उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। फलस्वरूप विशाल का डायनासोर को अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। पेंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। कुछ तो किलर की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोमाइसस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी।